देखो ये मैनुअल में है, क्या ये मैनुअल में है? मैनुअल में पेज नंबर, हाँ 63, क्वेश्चन नंबर 33। सर इसको आके नमाज पढ़ के जल्दी आ जाओ, ये काम करते हैं 8:30 तक इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ वे ऑफ ले लेना। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, नहीं या नमाज पहले पढ़ लेते हैं भाई, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ के फौरन आ जाना, 8:06 हो रहे हैं, 8:15 पे तुम्हारे पास टाइम शुरू हो जाएगा सवाल को करने का, 15 मिनट होंगे, 8:30 पे मैंने सवाल सॉल्व करना शुरू कर देना है, सही है? ये लास्ट लास्ट है, देखो ये वाला टॉपिक पेपर पास करवा देगा, मुश्किल टॉपिक, डिसीजन मेकिंग से डरना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डरना, सही है? वो है कुछ मुश्किल सब है, ब्रेक इवन बच्चा है, छह तो फॉर्मूला दो, ब्रेक इवन मुश्किल नहीं। आ जाए सर, टाइम अप सर। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट द रिवाइज मशीन आवर रेट, सर ये तो पता चल गया, रिवाइज वगैरह क्या इतना नहीं पता, मशीन आवर रेट है तो शायद मुझे कोई बजटेड कॉस्ट चाहिए होगी और बजटेड आवर्स चाहिए होंगे, किसके? मशीन के, मशीन आवर रेट है। विच द कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग द ईयर 2008, तो 2008 का मुझे आवर्स चाहिए प्लस मुझे बजटेड कॉस्ट चाहिए। अब डेटा पढ़ता हूँ सर मैं, कह रहा हूँ 1 दिसंबर 2007 आपसे कह रहा है जिया टेक्सटाइल मिल लिमिटेड परचेज अ न्यू कटिंग मशीन फॉर ₹13,00,000 टू ऑगमेंट द कैपेसिटी। सर ऑगमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्रीज करना, आपको अपनी कैपेसिटी क्या करनी थी? इंक्रीज करनी थी, टू ऑगमेंट द कैपेसिटी। देख लेते हैं यार आंसर तो याद नहीं होते। टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी 5 एग्जिस्टिंग मशीन मेरे पास डिपार्टमेंट में पड़ी हुई, ये जो मशीन आ रही है उनकी कैपेसिटी बढ़ाएगा, ना ही के मैं उनको निकाल के उसको रिप्लेसमेंट में ला रहा हूँ। 5 मशीनें पड़ी हुई है, एक और नई मशीन आ रही है, 5 एग्जिस्टिंग मशीन इन द कटिंग डिपार्टमेंट। हमने कहा ठीक है, द न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ आफ्टर विच इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट ₹1,00,000। सर मैं बाद में इसका वेट नहीं करूंगा, 13,00,000 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाता है? 1,20,000 सर, 1,20,000 सर, 0.5 एक्सप्लेन कर बेटा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन होगा शजल, ऑल इज वेल, बोल रुक जा सर। 1,20,000 की सर क्या डेप्रिसिएशन, पता नहीं सर नीचे उसने एलोकेट करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। सर फिर कह रहा है इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, डन हो गया सर। द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम, बेटा अभी तो मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं है, मैं तो पूरे सारे ऑप्शन निकाल लिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पता है मुझे तो सवाल पढ़ते पढ़ते मैं डेटा क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा। अब कह रहा है न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम February 1, 2008, मतलब जनवरी के महीने में आपके पास, दिसंबर में आपने ऑर्डर किए, मशीन आ गई, आपने इसको अवेलेबल फॉर यूज करा कब से? February 1, 2008 से, मतलब सर इस साल 11 महीने, इस साल कितना है? 11 महीने। इट इज बजटेड दैट द मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे इन 2008, द बजटेड आवर्स इंक्लूड, सर इन 2600 घंटों में कुछ शामिल है, इन 2600 घंटों में कुछ शामिल है, क्या शामिल है सर? 80 घंटे फॉर सेटिंग अप द मशीन, सर मशीन को सेट करने में, उसको चेक वगैरह करने में आपको कितने घंटे लग जाते हैं? 80 आवर्स आपको, मतलब वो प्रोडक्शन नहीं कर रही होगी, सेटअप टाइम है। फिर 120 आवर्स फॉर मेंटेनेंस, ऑयल वॉयल चेंज करके मशीन की हम लोग ट्यूनिंग वगैरह करेंगे तो उसमें 120 घंटे
चले जाएंगे। तो सर हमारे पास मशीन आवर्स जो वर्कड हो रहे हैं, मशीन आवर्स टू बी वर्क, सर न्यू मशीन के कितने हैं? सर 2600 का बजट है, मगर इस बजट में शामिल क्या है? 80 घंटे सेटअप के जिसमें मशीन काम नहीं करेगी और 120 घंटे मेंटेनेंस के। तो सर आपके पास कितना आ गया? सर ये ड्यूरिंग द ईयर 2008, ड्यूरिंग द ईयर 2008 है। सर आवर्स 11 मंथ का नहीं लेंगे बेटा, 11 मंथ का तू कहां से लेगा? तू पर मंथ के घंटे बताए, जिस तरह वहां पे पर मंथ के ऑपरेटर के घंटे थे तुमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे उसने ड्यूरिंग द ईयर 2008 की बात कर दी। सही है, तो यहाँ पर मुझे ज्यादा सोचना शेजिल नहीं है, आसान था। यहाँ पर मंथ देता पेमेंट को प्रोडेट करता किस पे? महीने का निकाल के 11 महीने पे, जिस तरह हमने लास्ट सवाल में किया था। सर फिर कह रहा रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008 हैव बीन एस्टिमेटेड अंडर। सर अभी तक मशीन की बात हो रही है, किसकी? जो न्यू मशीन आई है उसके लिए 5 पॉइंट्स है। उसके लिए क्या है ये? कह रहा इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर एट द रेट रुपीज 8.5 पर यूनिट। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ 85 रुपए पर आवर होगा? हाँ, क्यों सर? एक घंटे में 10 यूनिट जल जाते हैं और हर यूनिट कितने का है? 8.5 रुपए का। तो सर 85 रुपए का हर घंटे की बिजली है। हाँ सर, तो सर मेरे पास आवर्स मौजूद है। सर मैं बजटेड कॉस्ट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? बजटेड कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। सर बिजली, सर 8.5 रुपए 10 यूनिट्स के, ये एक घंटे का आ गया। और कितने घंटे? कितना आया? 2 लाख। सर डेप्रिसिएशन भी मार्क से निकल जाएगी, लिख दूं। सर माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय क्या 118250 आई कैसे? 13 लाख को तो नहीं कर दिया रेजिडुअल वैल्यू माइनस किए बगैर? अच्छा, अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है ना? रिड्यूसिंग बैलेंस में रेजिडुअल वैल्यू अकाउंट फॉर नहीं होती, क्योंकि वो रेट के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुई भी होती है। क्लियर है सर? इसके बाद सर कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी 25,000 पर मंथ। तो सवाल कितने महीने? मेंटेनेंस पच्चीस हजार पर मंथ, और कितने महीने? 11, 2.5 और 2.75। यस सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में मंथ्स कंसीडर क्यों? बेटा प्रोरेट तो करूंगा ना, अगर मशीन 11 महीने काम हुई है, 11 महीने अवेलेबल फॉर यूज थी, तो डेप्रिसिएशन भी 11 महीने का लगेगा। तुम वो तो नहीं हो जिसका एससी की बेसिस के ऊपर आईटी आई एग्जाम था? हाँ, तब वो है मेरी गलती है। क्या मतलब? कॉन्स्टेबल का कोर्स तो किया था ना, ले लिया ना, तो उसके तो बनाएगा। 25-30 घंटे तो मैंने उसे डिप्रेशन को करवाया था, सबसे ज्यादा टाइम ही उसी को दिया था। उससे तो बैकवर्ड और ये वो सभी करवा दिया था, डिस्पोजल वगैरह सब कुछ। खैर नहीं है तो फिर वो पोर्टल पे सबको डगा देगा, वहां से भी कर सकते हो। सर मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विच विल कॉस्ट ₹10,000 ऑन ईच रिप्लेसमेंट। सर एक पार्ट है जो आपको रिप्लेस करना है, जिसके बगैर मशीन काम नहीं कर सकती। तो सर वो एक एक पार्ट हर महीने, ये कैसे पता चला डेटा न्यू मशीन की है? क्योंकि बेटा अभी तक ऊपर से न्यू मशीन की बात कर रहा है, मुझे तो अभी तक आपको उससे नहीं बताया कि पुरानी मशीन की कोई बात कर रहा है। अभी तक जो भी डेटा पड़ा वो किससे लिंक था? पुरानी मशीन की से कोई भी बात नहीं की, सिवाय इसके कि आपके पास पुरानी 5 मशीनें पड़ी हुई थी, नई मशीन आ रही है तो उसी का डेटा बता रहा है। सही है सर, 10,000 ऑन ईच रिप्लेसमेंट। तो सर रिप्लेसमेंट पार्ट 10,000 का है। सर फरवरी में एक लगेगा, फरवरी के एंड में, दिसंबर के एंड तक 11, 1,10,000। सर आफ्टर डेट
A machine operator will be employed at rupees 9000 per. एक इसके लिए नया मशीन आया, ऑपरेटर आया, ऑपरेटर सर 9000 मिलेंगे इसको 11 महीने 99,000 सर. आवर्स भी तो गिवन है, कौन से आवर्स मोहम्मद अकाश खान? बेटा वो आउटपुट मेथड पे आवर्स लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को रिपीट करते हैं बेटा, एक एक घंटा तू एसी चलाता है, तेरे मीटर में जाके देख 10 यूनिट गिर गए, तो एक घंटा तूने एसी चलाया तेरे को 85 रुपए की कॉस्ट पड़ी, और पूरे पीरियड में तुझे 2600-2400 घंटे एसी चलाना है तो कॉस्ट निकल जाएगी. तब बनिए का दिमाग रख, बनिए का दिमाग, कॉस्टिंग मुश्किल नहीं है. मेमन विद ऑपरेटर की कॉस्ट क्यों आएगी बेटा? क्योंकि ऑपरेटर मशीन चला रहा है तो उसकी कॉस्ट ओवरहेड में आएगी. सही है सर. इट इज एस्टिमेटेड डेट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, जब आप मशीन को इंस्टॉल कर लोगे, अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5000 पर मंथ. सर आपकी इस मशीन की ऐसे दूसरे डिपार्टमेंटल के ओवरहेड्स हैं, हीट एंड लाइट वाले समझ लो, या आपके कोई चाय पानी वाला समझ लो, सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड समझ लो, चाय नहीं मैं जा रहा हूं सर, आपके दूसरे जो ओवरहेड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे 5000 से इस मशीन की वजह से. ठीक है, यहाँ से भी बेटा वो कॉल गया सर, ऑपरेटर डायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर. बेटा ऑपरेटर को अभी तुम यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर ही सपोज कर लो. चाहिए सर कितना का आ गया आपका? इंक्रीमेंटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स कितने सर? 5000 हर महीने बढ़ जाएंगे उसे 11 महीने मशीन की वजह से, कितना? 55,000 सर. अब सर ये आपके पास क्या आ गए? न्यू मशीन के आ गए. फिर नीचे सर जो पैराग्राफ कह रहा है कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस अ सिंगल रेट फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन्स. सर एक ही रेट यूज करता है, क्योंकि कहता है भाई एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं, मतलब सिंगल रेट यूज करते हैं सारी की सारी प्रोडक्शन के लिए. इट हैज बीन बजटेड दैट अदर 5 मशीन्स विल वर्क फॉर 12,500 घंटे ड्यूरिंग द ईयर 2008. अब वो 11 महीने काम कर रही है, 12 महीने कर रही है, 9 महीने कर रही है, 6 महीने कर रही है, मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि सब मुझे घंटे दे दिए हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2008 जो पुरानी एग्जिस्टिंग 5 मशीन्स हैं वो टोटल काम कितना करेंगी? 12,500 घंटे इंक्लूडिंग 900 आवर्स फॉर, तो मतलब मेंटेनेंस से वो काम नहीं करेंगी. तो सर मेरा ये ऑगमेंट हुआ है, मुझे न्यू मशीन रिवाइज मशीन आवर रेट निकालना है. तो सर एग्जिस्टिंग मशीन भी कुछ घंटे काम कर रही है सर, वो प्रोडक्शन कर रही है, ओल्ड मशीन या एग्जिस्टिंग मशीन्स का कह दूं मैं, सर एग्जिस्टिंग मशीन आपके पास आ गई 12,500, इसमें 900 शामिल है इंक्लूडिंग. अगर से इंक्लूडिंग का वर्ड ना होता तो मैं 12,500 लेता, क्योंकि उससे क्या था पहले मशीन विल वर्क फॉर, मैंने कहा मशीन 12,500 उसमें कह दिया, उससे इंक्लूडिंग 900 मैंने कहा 900 हटा दो. चाहिए कितना आ गया सर? उसके बाद क्या कह रहा है? प्रेजेंटली द कटिंग डिपार्टमेंट चार्जिंग रुपीज 390 पर प्रोडक्टिव आवर फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन. सर वो इस साल भी उनकी कोई कॉस्ट नहीं बढ़ी जो एग्जिस्टिंग मशीन थी, सर उन पे 390 रुपए के हिसाब से तुम क्या करते थे? OAR अप्लाई करवाते थे. तो सर ये मैं इसको बजटेड कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड एग्जिस्टिंग कर दूं. सर एग्जिस्टिंग मशीन्स सर एग्जिस्टिंग मशीन्स का कितना? एक सेकंड सर, पहले इसको टोटल बताओ कितना आया? 853,000 सर एग्जिस्टिंग मशीन्स. सर 390 रुपए के हिसाब से क्यों एग्जिस्टिंग का आर्स तो यहां नहीं लिया? अबे ओ ये ले लिए ना घंटे, दिख नहीं रहा घंटा जो बज रहा है, अब दिमाग की घंटी भी बजा ले भाई. ये रहा 11,600. बेटा पहले बजटेड कॉस्ट तो निकालू, फिर उसको टोटल कॉस्ट से डिवाइड करवाऊंगा ना. सही है, स्क्रीन की तरफ नजर रख, जो पूछ रहा खाना खा लिया बोल, डिनर बाद में कर लूंगा मैं, यहां वहां नजरें मत करना. सही है
सर एग्जिस्टिंग मशीन 390 रुपए पर घंटे के हिसाब से, और एग्जिस्टिंग मशीन इस साल कितने घंटे काम करेंगी? 11,600। सर कितना आ गया? 45,24,000। तो सर अब पूरे कटिंग डिपार्टमेंट में 45,24,000 एग्जिस्टिंग मशीन की बजटेड कॉस्ट है, और आपके पास न्यू मशीन जो 11 महीने काम करेगी, आपने उसको 11 महीने प्रोडेट किया, उसकी 83,000 है। तो सर पूरे कटिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है? कितना? 5,377। सही है, टोटल बजटेड कॉस्ट आ गई। सर रिवाइज्ड मशीन आवर रेट, सर टोटल कॉस्ट हमारे पास अब कटिंग डिपार्टमेंट की है 5,377,000। 5,377,000 डिवाइडेड बाय, सर हमारे पास टोटल घंटे कटिंग डिपार्टमेंट जो मशीन्स काम कर रही हैं वो आ गया कितना? 14,000 डिवाइडेड बाय 14,000 एंड यू विल गेट कितना? डन हो गया। हाँ 14 मिनट में हो गया, मुझसे सवाल समझाते समझाते भी तुम लोग तो 15 मिनट में नहीं हो पा रहा था। इसके या फिर 2 नंबर कट जाएंगे, 7-8 तो मिल जाएंगे, नहीं फिर आंसर गलत होगा उसके कटेंगे, 3 नंबर कट जाएंगे, 6 पासिंग नंबर मिल जाएंगे, 50 पे पास है। मेरिट वाले को कहना मैं 1 नंबर पीछे थी, बस प्रूव वो भी नहीं कर सकता, जो मेरिट वाला बच्चा उसको कहना तुमसे 1 नंबर पीछे थे, बस ना उसने प्रूफ कर सकता है ना तुमने प्रूफ करना है। डन सर, कल जो है या कल बड़े अच्छे अच्छे सवाल इन लाइन हुए में। सर ये बहुत अच्छा सवाल है, अंबर वाला लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो और ये नहीं वाला तो सर करवा चुके हैं। 3 सर, ये 3 का टारगेट है, 9 पे क्लास शुरू होगी, 9:15 तक ये घर से सवाल को पढ़ के आ जाना, 9:15 तक आपको टाइम होगा, फिर 15 मिनट मैं करवाऊंगा, फिर एक और सवाल होगा उसमें 15 मिनट आपको मिलेंगे, 15 मिनट में मैं करवाऊंगा, फिर दूसरे सवाल में 15 मिनट। कल मुझे ये टॉपिक क्या करना है? खत्म करना है, 10 सवाल इस टॉपिक के हो जाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे क्या इंशाल्लाह ईओक्यू, ठीक है? सर रिकवरी में न्यू मशीन आवर्स क्यों ऐड नहीं किए? बेटा किए ना शहीद, ये रहे आवर्स कहां गए? सर ब्रेक इवन पहले करा ले प्लीज, बेटा ब्रेक इवन सबका हो जाए फिर करवाऊंगा। शहीद ये रहा बेटा 2400 और 11,600, 14,000। डन है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। पीडीएफ सकलैन भेज देगा।